श्री कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। सो दिस इज आवर न्यू चैप्टर आफ्टर फाइलम निडेरिया, दैट इज फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू एसपीपीयू सिलेबस और एसपीपीयू टेक्स्ट बुक, दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी पेपर वन, दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे टू एनिमल इकोलॉजी, दैट इज योर पेपर टू। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। फाइलम प्लैटिहेलमिंथस मतलब क्या, जो फ्लैटवर्म्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके फाइलम प्लैटिहेलमिंथस में। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लैटिहेलमिंथस है उसका ग्रीक मीनिंग क्या होता है, प्लैटी का मीन्स होता है फ्लैट एंड हेलमिंस का मतलब होता है वर्म्स, सो दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। क्यों? क्योंकि उन दे पोजेसेस फ्लैटेंड बॉडीज, उनका जो बॉडी होता है वो फ्लैटेंड होता है, मतलब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। जब हम इनका भी जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तब हम क्या देखेंगे कि इनका जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दूसरे कलर ले लेती हूँ तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, अगर ये वॉर्म है तो इनका जो बॉडी है मतलब डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन दोनों क्या होता है आपका फ्लैटेंड होता है। ठीक है, ये फ्लैट, इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। तो ये था आपका फ्लैटी हेलमिंथस के बारे में थोड़ा रफ आइडिया। अब हम लोग मूव करते टुवर्ड्स इट्स जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं, ये कुछ वर्म्स हैं। जब हम इनके क्लास पढ़ेंगे, देर आर थ्री क्लास, ठीक है, तो वो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्म्स है। ये है आपका क्लास सिस्टोडा, दिट इज क्लास ट्यूबुलेरिया, ट्यूबुलेरिया में ये प्लानेरिया है आपका। ठीक है, दिस इज लिवर फ्लूक एंड दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास सिस्टोडा। तो ये कुछ कुछ आपके सॉरी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा पॉइंटर। ठीक है, तो ये है आपका प्लानेरिया, ये है आपका लिवर फ्लूक एंड दिस वन इज क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, टेपवॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा कुछ आपका दिखता है ये प्लैटिहेलमिंथस। हम लोग अगर देखेंगे ओवरव्यू, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स इट्स जनरल। वी विल सी द जनरल कैरेक्टर्स, की जो ये जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है कि दे आर सॉफ्ट इलोंगेटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनका सिमेट्री बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब कि उनका जो डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होता है वो फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट इज आपका दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब इनमें तीन जर्मिनल लेयर पाया जाता है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, अगर आपने इससे मेरे पहले वाला वीडियो देखा होगा, दैट इज अबाउट फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेट्स, तो सिलेंट्रेट्स में हमने क्या देखा था कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो जैसे जैसे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि जो आपका ये हाँ सॉरी सिलेंट्रेट्स है वो आपका डिप्लोब्लास्टिक है, और जैसे कि अभी हम लोग प्लैटिहेलमिंथस पढ़ रहे हैं तो ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इनमें तीन तरह के जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनका जो बॉडी वॉल है उनमें टफ क्यूटिकल होता है, जो कि आपका स्केलरो प्रोटीन होता है, जो आपका एपिडर्मिस होता है ना, सिंगल एपिडर्मिस, वही आपका क्या होता है, टफ क्यूटिकल होता है, जो कि आपका स्केलरो प्रोटीन से बना हुआ था। यही क्यूटिकल जो है बाद में मॉडिफाइड होके आपका बनता है हुक्स, स्पाइन्स, थ्रोन, स्पिक्यूल, स्टीथ। तो ये मॉडिफाई होके ये सब क्यों बनता है, क्योंकि दीज आर एडहेसिव ऑर्गेन्स। तो मोस्टली आपका जो फ्लैटवर्म्स है या प्लैटिहेलमिंथस है उनका काम क्या है, उनका काम क्या है कि किसी भी होस्ट के ऊपर चिपक के उनसे उनका सारा नरिशमेंट को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेना थ्रू दिस एडहेसिव ऑर्गेन्स, दैट इज हुक्स, स्पाइन्स, थ्रोन्स, जो भी सकर्स होते हैं उनके बॉडी में वो। और नेक्स्ट क्या है कि दे आर ए सिलोमेट एनिमल्स। ए सिलोमेट एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि उनके बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होती, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन देम, सो दे आर कॉल्ड ए सिलोमेट एनिमल्स। उनमें रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट भी होता है तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म में होता है। नाउ योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन प्लैटिहेलमिंथस, इन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट इज योर एक्सक्रेटरी सिस्टम इन फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। अब जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर दिस वन। इसमें क्या लिखा हुआ है
कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ज्यादातर फ्री लिविंग, जो आपके फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथस उनमें ही पाए जाते हैं, जो कि आपका पैरासिटिक फॉर्म्स में रिड्यूस्ड होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा, जो कि आपका फाइलम निडेलिया का था लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था अबाउट कि जो पैरासिटिक रिलेशन है वो क्या होता है। तो पैरासाइटिक रिलेशन क्या होता है कि एक पैरासाइट और एक होस्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स आपके होस्ट के बॉडी के ऊपर रहता है, और वो क्या करता है कि जो होस्ट का बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन जा रहा है, होस्ट जो भी अपना खाना खा रहा है उससे जो भी न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, उससे वो क्या करता है कि आपका सारा न्यूट्रिशन को, जो आपका पैरासाइट्स है, वो होस्ट का सारा न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पैरासाइट्स है इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं रहता, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी में रहता है, तो इसे सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत है। सेंस ऑर्गन की जरूरत उसको है जो कि फ्री लिविंग है, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन्स आर मोर इन फ्री लिविंग एंड रिड्यूस्ड इन पैरासाइटिक फॉर्म। अब जो तीसरा या चौथा आपका मेन इंपॉर्टेंट है आपके फ्लैटवर्म से, वो क्या है कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या कि आपके एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाए जाएंगे, दैट इज आपका मेल एंड फीमेल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपका? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकता है, नहीं तो उसमें एक या ज्यादा लार्वल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या है कि किसी किसी का लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के ऊपर पार हो जाता है, लेकिन किसी किसी को एक होस्ट से काम नहीं चलता है, वो अपना होस्ट चेंज करते रहता है। जैसे लिखा है कि लाइफ साइकिल रिक्वायर्स वन और मोर होस्ट। उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कॉमन है सम फॉर्म्स में, ठीक है। सो दीज आर योर फ्यू जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास, सॉरी, ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस कि मेनली इसमें तीन क्लासेस पाया जाता है, डेट इज आपका क्लास टर्पिलेरिया, क्लास रेमाटोडा एंड क्लास सिस्टोडा, ठीक है। सो दीज आर योर क्लास थ्री क्लासेस ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। सो अभी हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर जो कि आपके क्लास टर्पिलेरिया का है, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्लास टर्पिलेरिया शो करता है। सो क्लास टर्पिलेरिया का मोस्टली नॉन पैरासिटिक होता है, ठीक है। नॉन पैरासिटिक मतलब क्या कि वो फ्री लिविंग होते हैं, जो जनरली आपके फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, कोई कोई आपके लैंड में भी पाया जाता है, और कोई कोई आपके कमेंसल होता है। कमेंसल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूंगी कि मेरा किसी के साथ कमेंसल रिलेशन है, मतलब कि मैं उसको खाना देती हूँ और वो मुझे खाना देता है, हम लोग एक दूसरे पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है, दैट इज योर कमेंसल रिलेशन। और पैरासाइटिक जो मैंने आपको बताया कि पैरासाइट्स क्या होता है, तो कुछ कुछ पैरासाइटिक होते हैं लेकिन मोस्टली नॉन पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि मोस्टली आपके फ्री लिविंग हैबिटेट होते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है, इनका जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इनमें भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एंड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज दे आर अनसेगमेंटेड, बॉडी आपके सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें जो आपका सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, यानी कि जो क्यूटिकल होता है, वो या तो सेलुलर होता है या तो सिंसेशियल होता है, ठीक है। और जो एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स मतलब क्या कि जो ऐसे ऑर्गन्स जो होस्ट के बॉडी पे चिपक जाते हैं, वो ऑर्गन्स जिससे वो अपना सारा, जैसे हुक्स हो गया, सकर्स हो गया, ये सारा चीज जो है आपका एडहेसिव ऑर्गन्स है, वो या तो एक होते हैं या तो दो होते हैं मेनली टर्पिलेरिया में। इनका माउथ कैसा होता है, ये वेंट्रल होता है। इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, ठीक है। इनमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है आपका टैंगो एंड कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। टैंगो का मतलब होता है कि ऐसे रिसेप्टर्स जो टच एंड प्रेशर को सेंस कर सके, ठीक है। तो जो टैंगो एंड कीमो रिसेप्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल भी हो सकता है, एंड जो ए सेक्सुअल मेथड है वो है रीजेनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका क्लास टर्बेलेरिया है ये मोस्टली रीजेनरेशन शो करता है इन ए सेक्सुअल मेथड, अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो। क्योंकि अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, डेट इज फ्रॉम चैप्टर 1, वो है आपका प्लानेरिया, की प्लानेरिया आपका रीजेनरेशन शो करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज रीजेनरेशन इज द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास टर्बेलेरिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लास टर्बेलेरिया, नाउ वी विल मूव टू क्लास रेमाटोडा, ठीक है। इससे पहले आप लोग इसको देख लो, ये है आपका प्लानेरिया का एनाटॉमी, ठीक है। ये आपको प्लानेरिया का गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इधर है आई स्पॉट, दिस इज वन इज ऑरिकल, दिस इज फेरिंग्स एक्सटेंडेड थ्रू माउथ, ठीक है। अगर ये हम देखेंगे इनका ट्रांसवर्स, ये है नर्व, ठीक है, एंड दिस आर योर वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड, एंड इधर होता है ब्रेन,
जेनाइटल पोर, दैट इज पेनिस, ये दिख रहा है, ये जेनाइटल पोर है एंड दिस वन इज पेनिस इन द जेनाइटल पोर, ठीक है। दिस इज योर फेरिंग्स जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज टेस्टिस, ठीक है। दिस इज स्पर्म डक, दिस इज योर ग्लैंड एंड दिस वन इज योर ओवरी। सो ओवरऑल दिस शोज दैट इट इज अ हर्मोफ्रोडाइट एनिमल। अब नेक्स्ट वी विल सी अबाउट क्लास रेमाटोडा। रेमाटोडा कैसे होते हैं? वो तो वो जो अडल्ट इंडिविजुअल होता है, मतलब उनका हम लार्वल स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम अडल्ट इंडिविजुअल्स देखेंगे, वो या तो एक्टो या एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एक्टो के मतलब जो बॉडी के, जो होस्ट बॉडी के बाहर रहता है, और एंडो पैरासाइट्स मतलब होस्ट बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो होस्ट बॉडी के अंदर रहता है यानी कि ये मोस्टली पैरासाइट्स होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक है। इन्हें हम जनरली फ्लूक्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्लास रेमाटोडा है उनमें हम जनरली, इन्हें कॉमन नेम क्या है, फ्लूक्स, ठीक है। दिस एनिमल लैक्स एपिडर्मिस एंड सीलिया इज ऑल्सो एबसेंट बट बॉडी इज कवर्ड बाई थिक क्यूटिकल्स। इनमें एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है, सीलिया भी एबसेंट होता है, बट इनका जो बॉडी है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। सकर्स आर एधेसिव ऑर्गन्स, इनमें जो एधेसिव ऑर्गन्स है वो क्या है, सकर। इनका माउथ कैसे एंटीरियर होता है, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या शो करते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, लार्ज बाइफिड इंटेस्टाइन विदाउट एनस। एनस नहीं होता है, इट इज विदाउट एनस। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शो करता है आपका फेरिंग्स, इसोफेगस एंड लार्ज बाइफिड इंटेस्टाइन विदाउट एनस। इनमें भी आपका जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये भी हर्मोफ्रोडाइट है। जो अडल्ट फॉर्म होते हैं वो क्या, इनमें सेंस ऑर्गन नहीं रहता, क्योंकि हम पढ़े थे कि जो पैरासिटिक फॉर्म में है उनमें सेंस ऑर्गन रिड्यूस रहता है। सो ये पैरासिटिक फॉर्म है, तो इनमें जो अडल्ट फॉर्म है उनमें सेंस ऑर्गन रिड्यूस रहता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें कॉमन होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल या तो सिंपल होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल मतलब एक ही होस्ट के ऊपर ये अपना पूरा लाइफ बिता देता है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, या तो लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, ठीक है, इनके डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल में है आपका फेसिकोला हेपाटिका, दैट इज आपका लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक इसका कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टोमम, फिर है डिप्लोजून, दीज आर योर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेमाटोडा। फिर हम लोग थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं ऑफ लिवर फ्लूक। ये है आपका लिवर फ्लूक, ठीक है। दिस वन इज योर ओरल सकर, दैट इज योर एधेसिव ऑर्गन, दिस वन इज योर फेरिंग्स, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये ईसोफेगस है आपका, ये है इसका जेनाइटल ओपनिंग है, ठीक है। एंड ये सारे आपके इसके इंटेस्टिनल ब्रांचेस है, एंड दिस वन इज योर एक्सक्रीटरी पोर। सो दिस वन इज योर फेसिकोला हेप्टिका, दैट इज योर लिवर फ्लूक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में इसका है सिस्टोडा। इनको हम कहते हैं जनरली टेपवर्म्स। इनका जो कॉमन नेम है वो आप याद रखना, जैसे कि आपका क्लास रेमाटोडा का था, क्या था आपको, फ्लूक वर्म्स, ठीक है, फ्लूक्स कहते थे हम इसे, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, टेप वर्म कहते हैं सिस्टोडा का। ये आपका एंडो पैरासाइट्स होता है, एंडो पैरासाइट्स मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, तो ये भी आपका पैरासिटिक है, तो इसमें भी जो सेंस ऑर्गन्स है वो रिड्यूस्ड रहेंगे या एबसेंट रहेंगे, ठीक है। तो इनमें जो एपिडर्मिस या एक्सटर्नल सीलिया, ये भी इनमें एबसेंट होता है। नेक्स्ट है इसका बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड्स होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। और यही प्रोग्लॉटिड्स में आपका क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये प्रोग्लॉटिड्स में रहते हैं, इन सेगमेंट्स में, जो प्रोग्लॉटिड्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आपका स्कोलेक्स, दैट इज हेड, नेक एंड स्ट्रोबेलाई, ठीक है। हेड और सोलेक्स इज प्रोवाइडेड विद सकर्स। इनके जो स्कोलेक्स पार्ट होता है, जो हेड पार्ट है, वहाँ पे सकर्स होता है एंड हुक्स होता है, जो कि अटैचमेंट के लिए यूजफुल होता है, ताकि वो होस्ट के बॉडी से नरिशमेंट को सक कर सके, ठीक है। हुक से वो पेनिट्रेट करते हैं, सकर्स से वो सक करते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रोग्लॉटिड होता है वो तीन टाइप का होता है, कि इमेच्योर होता है, मेच्योर होता है एंड ग्रेविड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो माउथ होता है, एलिमेंट्री कनाल होता है, सेंस ऑर्गन्स है, ये सब इनमें एब्सेंट होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये तो इसमें एक्सक्रीशन का काम करेगा ही करेगा, बट प्रोटोनेफ्रिडिया का यहाँ पे दो काम है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम ये करता है इन क्लास सिस्टोडा ओनली। बाकी में जो आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है, दैट इज क्लास टर्बिलेरिया एंड क्लास रेमाटोडा, दोनों में ये बस एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही परफॉर्म करता है, बट इन क्लास सिस्टोडा ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब ये क्या होता है कि जो मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, जो इनका प्रोग्लॉटिड होता है, या तो एक या दो कंप्लीट सेट्स ऑफ फीमेल एंड
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इनमें होते हैं, मतलब जो प्रोग्लॉटिड है, ठीक है, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक सेगमेंट्स में एक या दो सेट मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, दोनों रहेंगे, क्योंकि ये हर्मोप्रोडाइट है। हर्मोप्रोडाइट का मतलब क्या है कि एक ही बॉडी में आपका क्या रहता है, दोनों रहता है, मेल एंड फीमेल। फिर ठीक है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है कि ये लार्वल स्टेजेस शो करते होंगे, ठीक है, इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते होंगे। फिर क्या है कि एक एक ही आपका होस्ट में नहीं रहता, होस्ट चेंज करते हुए, सो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। ठीक है, सिंपल उसको बोलते हैं कि जो एक ही होस्ट पे अपना पूरा लाइफ बिता देते हैं और उनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा इन क्लास 11 बायो, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो टीनिया सोलियम टेपवर्म, हम जब इसका नाम याद करते थे ना, तो हमारी एक फ्रेंड का नाम था तानिया, तो हम उसे टीनिया सोलियम टेपवर्म ऐसा नाम दिया करते थे दोस्तों के, तो हमें ये याद रहता था। ठीक है, सेकेंड है आपका इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जिसे हम कहते हैं डॉग टेपवर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप भी नेम्स जो है वो याद कर सकते हो विद देयर कॉमन नेम्स। ठीक है, तो हम उनका नाम ही यही दे देते, कभी कभी तो हम उनका नाम भी भूल जाते थे। ठीक है, तानिया देन टीनिया सोलियम, ठीक है, ऐसा करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लास सिस्टोडा एंड दिस इज योर टीनिया सोलियम। ठीक है, ये देखिए, ये है हुक। हुक से क्या करते हैं, ये उनका पेनिट्रेट करते हैं। दिस इज योर सोलेक्स, सोलेक्स दैट इज योर हेड पार्ट। ठीक है, और ये है सकर, ये यहाँ से उनके बॉडी में पेनिट्रेट करके अटैच हो जाते हैं और यहाँ से वो सक करते हैं उनका सारा न्यूट्रिश जो भी नरिशमेंट है उनका बॉडी से, सारा नरिशमेंट को ले लेते हैं। ये है उनका नेक, ये जो प्रोग्लॉटेड है, ये देखो आप सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये जो है ये इमेच्योर प्रोग्लॉटेड है। ठीक है, ये है यहाँ पे इमेच्योर प्रोग्लॉटेड, फिर इधर से आ जाते हैं ये मेच्योर प्रोग्लॉटेड, फिर जो ये आपका लास्ट है ये है दैट इज अ ग्रेविड प्रोग्लॉटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। ठीक है, इसके बाद आएगा बस इसका एक वीडियो जिसमें वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जूलॉजी का जो पेपर वन है दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई होप मैं सबको आंसर कर पाऊँ। ठीक है, और जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगी जहाँ पे हम सारा डाउट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि 11th 12th क्लास 9th 10th ये सारे के वीडियोस हमें मिल जाते हैं, डाउट भी क्लियर हो ही जाते हैं, बट आफ्टर 12th क्या होता है कि कोई इतना ध्यान नहीं देता अपने स्टडीज पे, और जो ध्यान देते भी हैं उनको ऐसा डाउट क्लियरेंस नहीं मिलता है अगर वो ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग ग्रेजुएशन में हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, और क्या है कि अपने डाउट्स क्लियर करें और अच्छे से समझे टॉपिक को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।